नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान की प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज में हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता करने के लिए। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, वो बात करेंगे संस्थाओं के पंजीकरण से जुड़े क्या कुछ यहाँ पर कानूनी प्रावधान हैं, संस्थाओं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े क्या कुछ यहाँ पर कानूनी प्रावधान है, इसको लेकर आज लीगल हेल्पलाइन में हम चर्चा करेंगे। और अगर आप किसी तरह की कानूनी सहायता चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किसी भी तरह की कानूनी मदद के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को लेकर आज हम यहाँ पर बात करेंगे, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे राजेश लाठीगराज, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिर सोसाइटीज का गठन क्यों होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जब कोई भी सात लोग लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो कोई भी कार्य करना चाहते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो लिटरेचर में हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, फाइन आर्ट्स में हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स के अंदर हो, वेलफेयर के रिलेटेड कोई भी हो, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, इस तरह की कोई भी सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं, संगठन, समिति, मंडल, किसी भी नाम से नाम दिया जाए, इस तरह का जो ग्रुप ऑफ पीपल जो लाइक माइंडेड होते हैं वो काम करना चाहते हैं, तो वो एक सोसाइटी का गठन करते हैं अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, और जिसके अंदर वो बहुत ही व्यापक रूप से, बहुत ही विस्तृत रूप से कार्य करते हैं। जो उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं इसके अंदर, उनको अचीव करने के लिए वो अपने कार्य करते हैं, जिससे सोसाइटी का और मेंबर्स का, जो उससे जुड़ते हैं लोग, उनका भला हो सके, तो इसलिए सोसाइटी का गठन किया जाता है। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होती जा, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए यहाँ पर सोसाइटीज का गठन किया जाता है। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर यहाँ आपको बता दें कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजेश जी यहाँ पर मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि बात यहाँ की जा रही है और मुद्दा भी आज हमारा यही है कि सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कानूनी प्रावधान है, तो यही आपसे जानना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। सबसे बेसिकली जो पहली ज़रूरत होती है, जब सात लोग या सात से ज़्यादा लोग कोई भी सोसाइटी का गठन करते हैं, तो उसके लिए उनको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, जिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत उनको पहले कोई सोसाइटी का नाम देना होता है, जो नाम इस तरह का हो कि वो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो, या कोई उनका जो उनका एम्बलम होता है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो, और कोई ऐसा ना वो अपना नाम रजिस्टर कराए जिससे कोई भ्रमित हो सके सोसाइटी के मेंबर्स या पब्लिक कि भाई ये कोई बड़ी सोसाइटी है। अपना जो प्रॉपर उन्होंने अगर नाम दिया है तो नेम ऑफ द सोसाइटी सबसे पहले होता है, उसके बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट्स तय करने हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज आती है जिसके अंदर आप सारे अपने ऑब्जेक्ट्स करते हैं कि आपको उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या कार्य करना चाहते हैं, वो कार्य इस तरह के ना हो कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो कंट्रावीन करता हो उसके प्रोविजंस को, ऐसे ना हो। और तीसरा होता है कि नेम एंड एड्रेसेस, ऑक्यूपेशन, जो गवर्निंग बॉडी होती है उनकी पूरी डिटेल्स आपको देनी होती है उसके अंदर, वो उस तरह से एक उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना होता है अपना मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर, जो एक पहले बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके बाद आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग आपका मेंबरशिप क्या होंगे, उनका सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड क्या होगा, उसमें डिसोल्यूशन क्लॉजेस कैसे होगी, उसमें गवर्निंग बॉडी किस तरह से बनेगी, उसमें आपका लीगल प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके अंदर ऑडिटिंग क्लॉज कैसे होगी, इस तरह की सारी जानकारियाँ आपको देके और अपने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने होते हैं, और एक ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको कवरिंग लेटर के साथ एफिडेविट देने होते हैं, जो प्रेसिडेंट और डिजायरस पर्सन होते हैं जो सोसाइटी फॉर्म करते हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एक जजमेंट था ब्रिजमोहन गुप्ता वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज 2/5/2012 का दिल्ली हाईकोर्ट का,
जिसमें जो सोसाइटीज़ हैं वो अपना एक गाइडलाइंस उन्होंने बनाई है, जिसके तहत वो एक एफिडेविट लेते हैं। उसमें ये कहते हैं कि जो डिजायरस पर्सन्स हैं वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड नहीं हो सकते एक दूसरे से जी, और जबकि हाई कोर्ट ने इसको कहा है कि ये कोई ऐसा एम्बार्गो नहीं है मेंबर्स के ऊपर कि वो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो ब्लड से, और क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19(1)(c) है फ्रीडम ऑफ एवरी पर्सन टू फॉर्म एसोसिएशन एंड ठीक है सर, इस पर और हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मथुरा से इस वक्त एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उमवीर जी। उमवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। हेलो जी, कहिए। सर ऐसा है, मेरा बेटा एक आर्मी में है, उसका नाम भूपेंद्र सिंह है जी। सर इसने जो है यही थी कि टू ईयर गाड़ी बुक कराई थी फोर व्हीलर जी, मारुति स्विफ्ट डिजायर, और उसके उसके उस पार्टी के पास पैसे पहुंच गए, पंजाब में है वो बंदा, सीआईडी के थ्रू लिया था। तो सर वो गाड़ी हमको मिली नहीं, जनवरी में बुक कराई थी, अभी तक गाड़ी नहीं मिली है सर, क्या करना चाहिए जी, बता देते हैं क्या करना चाहिए जी। राजेश सर जी, इसमें देखिए, आपने गाड़ी बुक करी थी, गाड़ी नहीं मिली, प्राथमिक तौर पे आपको एक एप्लीकेशन देनी चाहिए जहाँ से आपने गाड़ी बुक कराई थी, उसमें आपको विस्तृत जानकारी देनी चाहिए कि आपने जो पेमेंट्स वगैरह करी हैं गाड़ी की वो आपको नहीं मिली, और उनके रिप्लाई का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं आता तो आप एक लीगल नोटिस दे सकते हैं उनको, क्योंकि उनकी डेफिशिएंसी है सर्विसेज के अंदर, उनको गाड़ी प्रॉपरली आपको टाइम पे सप्लाई करनी चाहिए, आपको डिलीवर करनी चाहिए थी, जो डिलीवर आपको टाइम पे नहीं की गई, तो वो आप उसमें आप डैमेजेस मांग सकते हैं, और उनसे आप अगर आप चाहे तो आप कैंसलेशन मांग के, कैंसलेशन के साथ जो हरासमेंट आपको हुई है उसका आप एक केस भी कर सकते हैं इनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललितपुर से एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामशरण जी। रामशरण जी स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद आपकी कर सकते हैं हम। हाँ सर, हमें एक समस्या है, हमें एक रास्ता है, हम रास्ता की घर बताइए। हेलो जी, बताइए बताइए। हाँ सर, एक रास्ता है, उस रास्ता को चाहे जो है वो सामने वाला जो है वो रास्ता ढूंढनी चाहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर। नहीं, वो रास्ता है कहाँ, किसकी जमीन है, किसकी जगह है? कुछ जगह सरकारी है सर, नहर की पट्टी है उससे। हाँ जी, तो दिक्कत है, वो सरकारी नहर है वहाँ पे। दिक्कत कहाँ आ रही है? हाँ सर, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत है, एक पंडित जी है सर, बोट को रोक रहे हैं वहाँ से, आवागमन नहीं होने दे रहे हैं वो। ठीक है, जान लेते हैं कि अगर ऐसे कोई सरकारी रास्ते को रोकता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जो सरकारी रास्ता है उसको अगर कोई रोकता है, कोई हर्डल्स या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है आपके आने जाने के रास्ते में, जो सरकारी लैंड है, तो आपको सबसे प्राथमिक तौर पे आपको एक SHO को एप्लीकेशन देनी चाहिए कंसर्न थाने में, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट भी है, सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण किसी तरीके से नहीं किया जा सकता, और उसमें अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो मेरे ख्याल से तो आपका SHO के लेवल पे ही पूरा रिड्रेसल हो जाएगा जो आपका ग्रीवेंस है, और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो उसके बाद आप माननीय न्यायालय को आप अप्रोच कर सकते हैं, एक कंसर्न जो इनकी MCDs वगैरह अथॉरिटीज होती है उनको पहले आप एप्लीकेशन दे के या एक नोटिस दे के उसके बाद आप न्यायालय को अप्रोच करिए, वहाँ से अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस पास किए जाएंगे, उनको डायरेक्शन दिए जाएंगे सिविक अथॉरिटीज को कि ये सब एनक्रोचमेंट क्लियर की जाए और आपके रास्ते को फ्री पैसेज आपको मिले। ठीक है, जम्मू से हमारे साथ रतन चंद एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, कहिए रतन चंद जी क्या मदद आपकी कर सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं सर जम्मू से, मेरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, गांव का नाम पंजुआ है, मेरा गांव बैपुर है जी। मैं खुद 36 साल सर्विस करके रिटायर हूँ सर, यहाँ पर कानून बिल्कुल खत्म हो गया है जनाब, हम मोदी जी की बात खुद सुनते हैं, अपने मन की बात किसको सुनाए सर। मेरा मकान जहाँ पे अपनी मालकी जमीन में 5 साल से मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मेरा हमसाया जो है पैसे वाले हैं और ताकतवर हैं, इसके 9 लड़के हैं, 5 महकमा पुलिस G&K जम्मू में ड्यूटी है, 8वां टीचर है, 9वां ट्रैक्टर चलाता है, खुद बाप जो है पुलिस का रिटायर है सर, इन्होंने खुद गली बंद की हुई है, और मेरा मकान पर 5 साल से रोका हुआ है, मैं अगर मुकदमे करूं तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरे पोते पोती छोटे हैं। नहीं, लेकिन रतन चंद जी आपको कानूनी कानून का रास्ता तो अख्तियार करना ही होगा, आपको कानून फाइनेंस कमिश्नर हर एक के पास गया सर, मेरी किसी ने नहीं सुनी।
ठीक है, असरदार तरीका क्या हो सकता है आपकी बात पहुंचाने का, वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। राजेश सर क्या हो सकता है जी? देखिए, इन्होंने जो बताया है, इनके जो प्रॉपर्टी के अंदर जो कुछ लोग इनको डिस्प्यूट कर रहे हैं और जो जिस तरह से इनकी बात समझ आई, तो उसके अंदर पहले तौर पे तो आपको ये सिविल डिस्प्यूट है, आपको एक बार कोर्ट में जाना चाहिए इंजंक्शन का, उनको रेस्ट्रेन कराने का, उन लोगों को एक दावा डालना चाहिए, सिविल सूट पड़ेगा परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन का, वो आप एक डालिए, एक तो वो सूट डालिए, और साथ साथ आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी जरूर करिए इनके खिलाफ थाने में, और अगर थाने के लेवल से नहीं होता था उच्च अधिकारियों के पास आप अपने कंप्लेंट पहुंचाइए, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ सहायता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कोई भी रोकता है या आपको उसका फ्री इंजॉयमेंट नहीं करने देता, तो आपके बहुत ही विस्तृत तौर पर लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, आप उसके तहत आपको रिलीफ मिल सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं रामपुर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाहिर मियां जी। जाहिर साहब क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी मदद हम कर सकते हैं, बताइए। मैं सैयद जाहिर मियां रामपुर यूपी से बोल रहा हूँ। कहिए जी सर। मैं जो सोसाइटी चलाता हूँ जो सिंस 2000 जी 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 सर, तो मैं जो हूँ सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहता हूँ, फंडिंग जो है कहाँ से हो सकती है, मतलब आप फंडिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं? जी सर, फंडिंग के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि ये सोशल वेलफेयर से जुड़े काम करना चाह रहे हैं। आप एक एनजीओ फॉर्म कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत कोई भी प्रपोजल जिसमें आपका अपना पर्सनल बेनिफिट ना हो, पब्लिक एट वास्ट का बेनिफिट जब होता है तो इस तरह की एनजीओ फॉर्म की जाती है। आपको उसमें अपना एक ऑब्जेक्ट तय करना पड़ेगा, वो आपका एनजीओ एजुकेशन में काम करेगा, स्पोर्ट्स में काम करेगा, या रिलीजन में काम करेगा, या किस पर्पस के लिए आप एनजीओ बनाना चाहते हैं, आपको वो क्लैरिटी लानी पड़ेगी। उसके बाद इसके अंदर आप जो आपकी तरह और दूसरे लाइक माइंडेड पीपल हैं वो लोग इसके अंदर डोनेशन दे सकते हैं आपकी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, और उसके तहत आपको आप ये एनजीओ फॉर्म कर सकते हैं। और आपको शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का यहाँ पर जवाब मिला होगा। हम अपने दर्शकों को बता दें, सोसाइटी से जुड़े मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, तो अगर इससे जुड़ा कोई भी आपका सवाल हो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कानूनी मदद के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राजेश जी एक बात यहाँ पर जो हम सोसाइटी के बारे में कर रहे थे, हमने ये भी जाना कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जरूरी होते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन कई लोगों को सोसाइटी के बारे में पता नहीं, उनका पता नहीं होता, वो ये नहीं जानते कि इसकी मेंबरशिप लेने से क्या फायदे हो सकते हैं, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मेंबरशिप लेने के फायदे क्या होते हैं। पर आप जब किसी भी सोसाइटी से जुड़ते हैं तो उस सोसाइटी का आप उससे जुड़े हैं तो आप उसके पहले ऑब्जेक्टिव्स देखिए कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और आप उस ऑब्जेक्टिव्स में जैसे कोई रिलीजन है या कोई आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कोई सोसाइटी फॉर्म की है, आप उनसे जुड़ेंगे तो अगर जो भी इनकम होगी वो फॉर बेनिफिट्स ऑफ मेंबर भी हो सकती है, मेंबर्स की उनको प्रमोट करने के लिए, मेंबर्स को कोई एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल को प्रमोट करने के लिए वो एक्टिविटी चलाते हैं, आपको उस एक्टिविटी से बेनिफिट होते हैं मेंबरशिप लेने से। आप एक संस्था से जुड़े हैं, आप अपनी एक आवाज़ असरदार तरीके से आगे पहुंचा सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, या किसी भी तरीके से जो बात आप कहना चाहते हैं वो एक संगठन के तहत आप कह सकते हैं, और इसके अंदर आपको और किसी भी तरह का आपको पर्सनल जब प्रॉब्लम होती है तो पूरा संगठन आपके साथ खड़ा होता है, इसलिए आपको मेंबरशिप लेनी चाहिए आपके अपने पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड जितने संगठन बने उनसे, या फिर आप जो दूसरे एजुकेशन वगैरह होते हैं जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं उसके लिए भी आप ले सकते हैं, तो आप अपने अपनी इच्छाएं प्रॉपर तरीके से प्रॉपर फॉरम पे आप ठीक है। ग्वालियर से हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं, अरुण जी। अरुण जी स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी? सर मैंने गाड़ी मोटरसाइकिल उठाई थी, हाँ टीवीएस की गाड़ी थी वो जी, तो उसने क्या किया, उसका एक्सीडेंट हो गया, हाँ। एक्सीडेंट होने के बाद जब मैंने उसका वो बीमा के थ्रू उसको करवाया गाड़ी को कंप्लीट, तो 20,000 का उसने खर्चा बताया जी, और 20,000 रुपए ले लिए हमसे, हाँ। और 20,000 रुपए लेने के बाद बोला कि आपका उस अकाउंट में आ जाएंगे 16,000 रुपए, जबकि मेरे अकाउंट में आए केवल 6,000 रुपए, तो मैंने उससे बोला, तो वो बीमा वाले के पास गया मैं भिंड में जी, तो उसने बोला आपके केवल 10,000 का क्लेम किया गया है, तो 10,000 का क्लेम किया उसने, और इधर आता हूँ तो वो ये बोलता है दुकानदार की मैंने 20,000 का क्लेम भेजा है यहाँ से, तब मैं क्या करूँ? बिल्कुल, यानी दो अलग अलग बातें आपके सामने आ रही हैं, असमंजस की स्थिति आपके सामने है, बीमा वाले कुछ और बोल रहे हैं, दुकान वाले कुछ और बोल रहे हैं, कोई 10,000 जी, जो आपकी बीमा कंपनी ने आपके क्लेम से कम आपको रकम दी है जो आपने क्लेम डाला था, उसके लिए हर एक बीमा कंपनी के अपने ओम्बड्समैन होते हैं,
एक अथॉरिटी होती है जो इस तरह के ग्रीवेंसेस डिसाइड करती है। आपको एक एप्लीकेशन अपने ओम्बड्समैन पे डालनी चाहिए जिससे जो आपकी कमी रह गई है अमाउंट के अंदर, जो आपका पहले तौर पे ग्रीवेंस है कि आपको पैसा कम मिला है क्लेम का, तो वहाँ पर वो चीज़ बड़े असरदार तरीके से डिसाइड हो जाती है और बहुत जल्दी रेमेडी है, क्विकली वो चीज़ डिसाइड हो जाती है, आपको जल्दी राहत मिलेगी उसके अंदर। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी आपको उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल यहाँ पर मिला होगा, सवाल के जवाब। झांसी से हमारे साथ अकरम खान, एक दर्शक और जुड़े हुए। अकरम खान जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने एक बिस्लरी की बोतल ली थी डबरा से, हाँ, तो इसके अंदर चींटी डली हुई है, आज इसको एक महीना हो गया है, हाँ। और मैंने इसके अंदर जब बोतल ली थी सील पैक है, इसके अंदर चींटी डली थी, एक सादा दुकान से ली थी मैंने, रोड के साइड से दुकानों में बिकती है बोतलें, हाँ हाँ, और हाँ। तो आप चाहते हैं कि आप कार्रवाई करें इस मामले में? हाँ मैं चाहता हूँ, मैंने अभी तक ये बोतल संभाल के रखी हुई है और अभी भी इसके अंदर चींटी है। तो ये अपनी शिकायत कहाँ पर कर सकते सर? जी राजेश जी, इसके अंदर देखिए, अगर आपने पानी की बोतल ली है उसमें कुछ आपको लगाया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो ऐसा सब्सटेंस है जो उसमें नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर आप प्रिंटेड होगा कुछ उसमें प्रिंट, उसमें लिखा होगा कि ये जो कंपनी है ये कहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो जहाँ पर ये कंपनी रजिस्टर्ड है वहाँ पर आप पूरा अपना ग्रीवेंस लेके उसमें आप उसको वहाँ पर कंप्लेंट प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं कि देखिए ये जो कंपनी है ये इस तरह का माल सप्लाई कर रही है मार्केट के अंदर, जो इनको आपने अथॉरिटी या रजिस्टर्ड किया था ये उससे कॉन्ट्ररी चीज़ है, इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए और ये इनकी डेफिशिएंसी है सर्विसेज के अंदर जो ये पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट है और पब्लिक को नुकसान पहुँचा सकती है, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और कंपनी बंद भी हो सकती है और उसमें एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी आपको थाने में डालनी चाहिए इस चीज़ के लिए। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का यहाँ पर जवाब मिला होगा। राजेश जी, सोसाइटी के बारे में आप बात कर रहे थे तो अचानक एक सवाल मेरे मन में आता है कि क्या सोसाइटी केस कर सकती है, सोसाइटी पर केस हो सकता है? जी सोसाइटी केस कर भी सकती है और सोसाइटी पे केस हो भी सकता है। सोसाइटीज़ की जब रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम होते हैं तो उसके अंदर एक लीगल प्रोसीजर का क्लॉज होता है जिसके तहत वो चेयरमैन को, अपने प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को या अपने जनरल सेक्रेटरी को एक ऑथोराइज करते हैं कि ये, या फिर इसमें से अगर स्पेसिफिकली ऑथोराइज नहीं किया गया तो ये अपने रेजोल्यूशन पास करके भी ऑथोराइज कर सकते हैं किसी को कोई केस करना हो तो वो आदमी सोसाइटी के बिहाफ पे केस डालता है वहाँ पर कोर्ट में, और किसी के भी खिलाफ कोई किसी भी तरह का लिटिगेशन होता है वो ले जा सकता है कोर्ट में, और सोसाइटी के अगेंस्ट में भी केस हो सकता है। कोई पार्टी को पेमेंट लेनी है सोसाइटी से या कुछ कार्य से किसी भी संबंधित कोई ट्रांजेक्शन के अंदर है, सोसाइटी के अगेंस्ट भी केस हो सकता है, सोसाइटी भी केस डाल सकती है, ये दोनों चीज़ें क्योंकि दोनों लीगल परफ्यू में आते हैं। ठीक है, एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनभद्र से, रामशरण जी, स्वागत है रामशरण जी आपका, रखिए अपना सवाल। रामशरण जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, मेरा नाम राम शुक्ला। अच्छा माफ कीजिएगा जी, कहिए शुक्ला जी। जी मेरा वो है ये जो चलिए संपर्क हमारा टूट चुका है लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा हमें कॉल करें ताकि हम इनकी समस्या को यहाँ पर रख सकें, और नहीं तो आप शुक्ला जी हमारे जो नीचे पता आपको दिख रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर, आप अपना पत्र भी यहाँ पर भेज सकते हैं और आपको पूरी मदद यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। सोसाइटीज़ की आज हम बात कर रहे थे और सोसाइटीज़ को लेकर एक और सवाल यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है कि चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज़ की बात की जाए, नाम कुछ मिले जुले से यहाँ पर लगते हैं लेकिन इनमें अंतर क्या होता है? देखिए जो जहाँ तक चैरिटेबल ट्रस्ट की बात है तो इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट 1957 के प्रोविजंस लागू होते हैं या इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के प्रोविजंस लागू होते हैं, तो इसके तहत कोई भी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जिसको एक सेटलर होता है जो मेन आदमी होता है वो उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए उस प्रॉपर्टी को सेटल कर देता है और उसके अंदर ट्रस्टी होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट होता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट जो होता है वो इस सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है और जो इसका इससे जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो इनकम होती है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज से, वो पब्लिक वेलफेयर पे खर्च किया जाता है और पब्लिक वेलफेयर का मतलब एट वास्ट होता है। जब भी हम चैरिटेबल ट्रस्ट की या चैरिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो वो चैरिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू एक प्राइवेट नहीं होता, पब्लिक हो सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा,
कि सोसाइटी का डिसोल्यूशन किन परिस्थितियों में और कैसे हो सकता है? जी, सोसाइटीज का डिसोल्यूशन दो परिस्थितियों में हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जब उसकी मेंबरशिप सात से नीचे जब मेंबरशिप हो जाती है और वो मेंबरशिप कम संख्या में हो जाता है, जो उसके फिक्स मेंबरशिप है उससे कम हो जाता है, जब हो सकता है वो, या फिर वो 3 साल से कोई उसने काम नहीं किया और वो बिल्कुल बंद डॉर्मेंट पड़ी हुई है, कुछ काम नहीं कर पा रही है, या फिर उसके जो असेट्स और लाइबिलिटीज इतनी बढ़ चुकी है मार्केट के अंदर, वो आगे मतलब उसमें सोसाइटीज़ की अपनी लाइबिलिटीज बढ़ चुकी है इतनी कि वो आगे नहीं चल पा रही, या फिर उसने कुछ ऐसा काम किया है जो सोसाइटीज में कुछ इस तरह का बात हुई जो कंट्रावीन करती है इसके प्रोविजन से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के। तो ये 3-4 परिस्थितियाँ हैं जिसके तहत सोसाइटीज रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ होता है, वो सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है अगर उसका कोई नाम उसने गलत तरीके से ले लिया, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड है उसके अंदर लेने के अंदर, तो ये कई सारी परिस्थितियाँ हैं जिसके तहत वो कैंसिल हो सकती है, रजिस्ट्रेशन ये डिसोल्यूशन भी हो सकता है इसका। शुक्रिया राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और दर्शकों की भी कई समस्याओं का आपने समाधान किया और सोसाइटीज़ के बारे में भी हमें बताया कि क्या कुछ यहाँ इससे जुड़े कानूनी प्रावधान है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही।